डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड 2021 एंड 2023। जिन बच्चों ने इस बार एडमिशन लिया है 2021-23 में, उनके लिए एक विशेष सूचना, बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना, बहुत ही खास सूचना ये है कि आपका UIN रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बहुत 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 ज़रूरी है आपका UIN रजिस्ट्रेशन करना, यकीन मानिए आप ज़रूर 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 कर लीजिए। तो 2021-23 बीएड में जिस बच्चों ने एडमिशन लिया है गाइस, अगर आपका कॉलेज अलॉट हो चुका है, अगर आपने कॉलेज में अपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, आप प्लीज़ UIN रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। कल तक आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन 2021 UIN में बीएड नहीं था। आप देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, यहाँ तक बीएड नहीं था, ये कल तक की बात है, लेकिन आज अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये वो पेज है जहाँ से आप UIN में प्री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब आप देख सकते हैं कि आज की डेट में यहाँ पे बीएड अवेलेबल है। देखिए बीएड 2021 के बच्चे भी अब यहाँ से UIN रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, आधार नंबर, फादर्स नेम, मदर नेम सिलेक्ट और कपवाइट, यहाँ पे आपको 100 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी है। तो ये प्रोसेस है, ऐसे फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली फॉर्म भर लेंगे, ओके। बाकी कोई समस्या होती है तो आपको यहीं पे एक वीडियो भी दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जिसको देख के आप इजीली UIN भर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई समस्या तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। तो UIN आ चुका है फॉर्म, आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ तक कैसे आना है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। आप जब यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएंगे तो यहां पे आपको नीचे की तरफ आना है दोस्तों। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहां पे एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक आएगा। स्टूडेंट कॉर्नर में आप देखेंगे, ये स्टूडेंट कॉर्नर में एक आपको एग्जामिनेशन फॉर्म यहां पे दिखाई देगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म में क्लिक करते हैं दोस्तों, आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसी को UIN कहते हैं। UIN पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ डेस्कटॉप साइट ऑन कर लीजिएगा। आप देखेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है। तो गाइस मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 2021 बैच के बच्चे जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है, उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है UIN का। आप प्लीज़ इसको ज़रूर UIN भर लीजिएगा और संभाल के UIN नंबर अपने पास रखिएगा, ओके। बाकी जैसे ही कोई जानकारी आपको आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। प्लीज़ 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 आप चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे आपको राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय बीएड से संबंधित बहुत सारी सूचनाएँ आपको दी जाएंगी, हर एक सूचना आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक, जो आपके जानने वाले में एडमिशन लिया इस बार राम मनोहर लोहिया में, उन तक ही वीडियो को पहुँचा दीजिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो एंड सी इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्वारी रिगार्डिंग बी एड राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब बखैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।